में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी टीम इंडिया से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा ये भारतीय खिलाड़ी। अमित शाह के बेटे के इशारे पर होगा ये काम, न कभी मैच खेल पाएगा और न ही टीम का हिस्सा बन पाएगा ये खिलाड़ी। आखिर क्यों वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारत के इस खतरनाक खिलाड़ी को टीम से निकाल दिया जाएगा बाहर? टीम इंडिया कल वर्ल्ड कप 2023 में अपना अंतिम लीग स्टेज का मुकाबला खेल चुकी है और भारतीय टीम का वर्ल्ड कप 2023 में अब तक का सफर काफी शानदार रहा। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में खेले गए अब तक के अपने सभी मुकाबले में जीत दर्ज की है। बता दें, टीम इंडिया ने अपना सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला, लेकिन उससे पहले ही बीसीसीआई के गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के वर्ल्ड कप पर स्वाइट में मौजूद एक खिलाड़ी को वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद टीम इंडिया के लिए कभी नहीं खेलने का मौका दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद उन्हें टीम से कुछ इस तरह बाहर निकाल देंगे जिस तरह दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। बता दें, टीम इंडिया के स्क्वाड में मौजूद सबसे अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप 2023 में टीम के लिए केवल एक ही मुकाबला खेलने का मौका मिला। रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में हाल ही में कमबैक किया है। उससे पहले भी रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2022 की शुरुआत में हुए साउथ अफ्रीका के दौरे पर खेला था। मौजूदा समय में रविचंद्रन अश्विन की बढ़ती हुई उम्र उनके वनडे क्रिकेट के करियर को खत्म करने का इशारा कर रही है। रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू मुकाबला साल 2010 में खेला था और अपने वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से लेकर 2017 में हुए चैंपियंस ट्रॉफी तक रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के वनडे क्रिकेट नियमित सदस्य थे, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन को वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए अधिक मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिला। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्हें साल 2022 में साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे मुकाबले खेलने का मौका मिला था। वहीं अभी 18 महीने बाद वनडे क्रिकेट में कमबैक करने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अब तक केवल 3 वनडे मुकाबले खेले हैं। वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होने के बाद टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में इन नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी, जिसके चलते टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में मौजूदा सीनियर्स खिलाड़ियों को टीम से बाहर करके उनकी जगह यंग खिलाड़ियों को टीम में मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।